आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। कैडर 2017 में GST लागू हुई थी जी, आज तक उस पर कोई कार्रवाई कैडर के नहीं हो पाई। पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के लिए कैडर बनाने के लिए 59 लाख रुपया सरकार द्वारा भुगतान किया गया। संस्था IIM लखनऊ को सौंपी गई थी रिपोर्ट, उनके द्वारा पैसा भी सरकार ने भुगतान कर दिया और वो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हो पाई। उसके बाद शासन द्वारा फिर क्वेरी लगाई गई, विभाग द्वारा फिर पुनः प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रस्तुत कर दिया गया, आज तक कैडर पर विचार नहीं हो पाया। 2017 में GST लागू होने के बाद कैडर हमारे विभाग में नहीं लग पाया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ा विकराल रूप वाणिज्य कर विभाग में आंदोलन का होगा। आज संशय है कि शासन में बैठे उच्च अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर गुमराह कर रहे हैं। आज तहसील स्तर पर और हर ज़िले में हमारे विभाग का स्ट्रक्चर बना हुआ तैयार है, केवल उसको लागू करना है। अनावश्यक रूप से उसको उच्च अधिकारी शासन में कुछ बैठे हैं उसको घुमाया जाता है, जिससे लागू नहीं हो पा रहा है, जिससे पदोन्नत जैसे गंभीर मामले नहीं हो पा रहे हैं और जिसके कारण हमारे अधिकारियों का मनोबल टूट रहा। सरकार द्वारा 25 लाख का पंजीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसके लिए हमारे कर्मचारी और अधिकारी रात दिन एक किए हैं और सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं उसको पूर्णतः ईमानदारी से हमारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके मूल समस्याओं पर पदोन्नत जैसे और जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण जब नहीं होता है तो कर्मचारियों और अधिकारियों को आहत पहुँचती है। अगर समय रहते इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और गुमराह करने वाले अधिकारियों को दरकिनार करना चाहिए। अगर मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वाणिज्य कर जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग है और उसको और आपके अधीनस्थ है, इस पर गंभीरता से विचार करते हुए पुनर्स्ट्रक्चर जो है हमारा उसको लागू किया जाना चाहिए। कर्मचारी और अधिकारी मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, जिसके लिए ये दोषी प्रशासनिक अधिकारी होंगे।